तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है बल्किंग और कटिंग, कि हम कैसे बहुत ही लीन बल्क कर सकते हैं और कैसे कटिंग के वक्त हम बहुत ही मिनिमम मसल लॉस पर अपनी बॉडी का फैट परसेंट बहुत ही इजीली कट कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैं ना ही कोई सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ, ना ही मैं कोई सर्टिफाइड कोच हूँ। तो वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो में एक कॉमेंट छोड़ देना। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो कटिंग और बल्किंग में एक दोनों में बहुत ही कॉमन सी चीज़ है कि आपको दोनों के लिए उसके मेंटेनेंस कैलोरी पता होनी चाहिए। तो मेंटेनेंस कैलोरी के बहुत सारे हैं गूगल्स में कि कैलोरीज कैलकुलेटर एनएलसेक्ट्रा, बट आज हम उस पर नहीं जाएंगे। मैं आपको एक फार्मूला बताऊँगा, वो फार्मूला यहाँ पर लिख के आ रहा है। आप अपनी बॉडी वेट, अपनी हाइट, अपनी एज और उसको इंटू करके एक नंबर से मल्टीप्लाई करके जो एक नंबर मिलेगा वो तुम्हारा मेंटेनेंस कैलरी होगा, जिसको खाने से तुम्हारी बॉडी वेट ना ही सरप्लस होगी ना ही माइनस होगी, वो मेंटेनेंस रहेगी, इसलिए उसको मेंटेनेंस कैलरी। तुम्हें अपना मसल मास गेन करना है बहुत ही मिनिमम क्वांटिटी फैट के साथ। क्योंकि बल्किंग में मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत सारे बिगिनर्स को देखा है कि वो लोग करते क्या, जब बल्किंग स्टार्ट करते तो वो लोग एक साथ 800 से 900 कैलरीज या 1000 कैलरीज सरप्लस चल जाते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। अगर तुम 1000 कैलरीज या 500 कैलरीज एक साथ सरप्लस में जाओगे तो नो डाउट तुम्हारी बॉडी वेट गेन होगी, बट उसके साथ साथ फैट भी उतना ही ज़्यादा गेन होगा। अब फैट ज़्यादा गेन होने का नेगेटिव साइड ये है कि जब एक पॉइंट ऐसा आएगा कि तुम्हारा बेली फैट बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो तुम्हें उसके बाद बल्क करने का मन नहीं करेगा, तो तुम्हारा पेट एक हद के बाद बहुत ज़्यादा निकल जाएगा। तो उसको बहुत ही मिनिमाइज करने के लिए तुम बहुत ही छोटे से सरप्लस में जाके भी बल्क कर सकते हो, क्योंकि हमारी बॉडी की जो मसल्स जब ब्रेक होती है और हमको उसको बढ़ाना है तो उसको बहुत लार्ज कैलरी नहीं चाहिए होती है, बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ कैलरी चाहिए होती है। तुम उतने में ही देख के तुम सरप्लस कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल कि तुम सरप्लस चालू कर रहे हो तो तुम 300 कैलरी बढ़ाओ हर 2 से 2.5 हफ्ते के बाद। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं 3000 मेरी मेंटेनेंस कैलरी है तो मैं 3300 कैलरी सरप्लस करूंगा अभी, फिर मैं उस कैलरी को 2.5 हफ्ते मेंटेनेंस में खाऊंगा, 3300 कैलरी 2.5 हफ्ते खाऊंगा, एंड उस 2.5 हफ्ते के बाद मैं फिर से 300 कैलरी सरप्लस कर दूंगा, जो कि हो जाएगा 3600, एंड यही साइकिल चलते रहे। तो इससे एक प्रॉफिटेबल चीज़ क्या होगी कि मेरी फैट परसेंटेज जो है वो मेरे कंट्रोल में रहेगी एंड मेरी मसल बिल्डिंग तो होती रहेगी। तो बल्क मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ बट फैट में उतना ज़्यादा पुटन नहीं कर रहा, उसको बहुत ही मिनिमम रख रहा हूँ। तो अब मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो बल्किंग में भी उतना ही ज़्यादा प्रोटीन कंज्यूम करते हैं जितना कि कटिंग कंज्यूम करते हैं नहीं, तो इसका भी एक रेशियो होता है। लेट्स मान लेते कि हमारी 3000 कैलरीज जो है वो हमारी इन टोटल 100% है। उस 100% में हमको 30% फॉर फैट, 30% फॉर प्रोटीन और 40% फॉर कार्ब, इससे फुल करना। जैसे कि 1 ग्राम कार्ब्स में 4 कैलरीज होती है, 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलरीज होती है, 1 ग्राम फैट में 9 ग्राम कैलरीज होती है। तो आप वैसे करके अपने इस कैलरी को काउंट कर सकते हो और उस वे में अपना डाइट चार्ट डिजाइन कर। उसको कैलकुलेट करने के लिए दोनों ही कटिंग एंड बल्किंग में एक बहुत ही मेजर सी रिक्वायरमेंट होती है जो कि आपके पास होनी चाहिए। ये अमेजोन पे आपको 150 से 200 रुपए का मिल जाएगा, जो कि एक वेट कैलकुलेटर है, जिसके अकॉर्डिंगली आप अपने बल्क और कट को एक बहुत ही ईजी बना सकते हो। क्योंकि आप अजम्पशन में नहीं खा सकते कि हाँ मैं इतना खा रहा हूँ तो इतना उतना ही होगा, नहीं, हमको एक नंबर चाहिए जो कि एक्यूरेट होना चाहिए, तब अपनी बॉडी में वो रिजल्ट ज्यादा अच्छा दिखाता है। कटिंग में जो बिगिनर्स बहुत ज़्यादा गलती करते हैं वो ये करते हैं कि कटिंग में सडनली से कैलरी बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर 3300 कैलरी तक तुम पहुंच चुके हो, अब तुम उसके बाद डायरेक्टली सीधा 1000 कैलरी ड्रॉप कर दोगे या 500 कैलरी ड्रॉप कर दोगे तो वो बॉडी में बहुत ज़्यादा मसल लॉसेस के चांसेस होते हैं। शुरू में नहीं होते पर एट दी एंड में तुमको उतना बेटर रिजल्ट नहीं मिलेगा जितना रिजल्ट मिलना था, तो तुमको उसमें भी थोड़ा सा पेशेंस रखना है और हर 2 से 3 हफ्ते में वापस से उस साइकिल को उल्टा कर। 3 हफ्ते में तुमको वापस से 300 कैलरी डेफिसिट जाना है, फिर 3 हफ्ते बाद 300 कैलरी डेफिसिट जाना है, फिर 3 हफ्ते बाद और 3 हफ्ते बाद रिपीट करते करते एक पॉइंट आएगा जहाँ पे तुमको अपने प्रोटीन्स को इम्पोर्टेंट देना पड़ेगा। कटिंग में तुमको प्रोटीन थोड़ा हाई रखना पड़ेगा क्योंकि तुमको अपना मसल को सेव करना है, कार्ब्स कम, फैट मिनिमम एंड प्रोटीन जो है वो हाई रहेगा। और बल्किंग में प्रोटीन मिनिमम, कार्ब्स तुम्हारा हाई रहता है, फैट भी मिनिमम रहता है, सिंपल, बस ये एक बेसिक सा फर्क है कटिंग और बल्किंग में। अब तुमको उस दोनों कैलकुलेट करने के लिए तुम्हारे के पास होना चाहिए कि इसको बोलते हैं वेइंग स्केल, तो तुमको अमेजोन पे मिल जाएगा 100-200 रुपए का, यहाँ पे दिख रहा होगा। तो तुम्हें लेने के बाद तुमको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपनी कैलोरीज
जो तुम्हारी बॉडी के अंदर जा रही है उसको तुमको ट्रैक करना है डेली बेसिस पे। डेली बेसिस पे ट्रैक करने के लिए तुमको एक ऐप चाहिए होगा, जो कि ऐप फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगता उसमें। तो वो ऐप यहाँ पे आ रहा होगा फैट सीक्रेट नाम का। इस ऐप में तुमको हर तुम्हारे कैल जो तुम खा रहे हो उसको सारे मैक्रोस तुमको वहीं पे डिस्प्ले हो जाएंगे हर कुछ। उससे तुम अपने बल्किंग या कटिंग को बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट और बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगी। इसके बाद कटिंग में और बल्किंग में वर्कआउट के एंड में एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि तुमको ऐप्स दोनों में ट्रेन करने हैं। और अगर बल्क में तुम ज़्यादा अपने ऐप्स को ट्रेन करोगे तो तुमको कटिंग तक एक प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ऐप्स को पॉप आउट होने में भी टाइम लगता है। तो तुम उसको बल्क में ट्रेन करना चालू करो ताकि कटिंग में तुमको उतना भी मेहनत ना करना पड़े अपने कटिंग पे, क्योंकि उस टाइम पे एनर्जी ज़्यादा रहती नहीं है तो बॉडी बहुत जल्दी थक जाती है। तो बस अगला हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा बजट फ्रेंडली प्रोटीन विदाउट वे प्रोटीन। हम 3,000 रुपये के अंदर अपने एक महीने का प्रोटीन गोल कैसे हिट कर सकते हैं। तो वीडियो में बने रहना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को शेयर कर देना। तब तक के बाय।